मामला साबली गांव के थाना खेरिया का है, जहां कोटेदार के साथ गांव के ही दबंग लड़कों ने मारपीट कर दी। मारपीट करते समय वहीं रखी ई पास मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मारपीट करने वाले दबंग लड़के वहां से भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। कोटेदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उप जिला अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एक ओर जहां राशन विक्रेता सुबह से लेकर देर रात तक काम कर लोगों को राशन मुहैया कराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की वजह से अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि ऐसे हालात में इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जालौन से हरिओम बुदौलिया की रिपोर्ट, SKH न्यूज। तो उस पर उन्हें आपत्ति, बोले हमें ढाला चलाना है, दुकान चलाना, हमारे पास इतना टाइम नहीं। इस बात को लेके गाली गलौज करने लगे, वो मार पीटी करने लगे, बाद में अरे जान की बेटी की बात। कौन क्षेत्र के किसी कोटेदार को मारने की खबर आई है? हाँ, कोच क्षेत्र में एक सामी गांव कैलिया थाना के अंतर्गत, जहाँ पर कोटेदार हैं समीक्षा देवी, उनकी दुकान पर राशन वितरण का कार्य चल रहा था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी कार्ड धारकों को एक टोकन बांटा गया था कि जिससे एक साथ लोग ना आए। उस टोकन के हिसाब से ही सभी को वहाँ बारी बारी से बुलाया जा रहा था। इसी बीच गांव के ही कुछ लड़के वहाँ पर आए और वो ये कहने लगे कि नहीं, हमें पहले दो। इस चक्कर में कोटेदार से और उनसे कहा सुनी हुई। उसने कहा कि भाई आप लोग यहाँ भीड़ नहीं लगाइए, जब टोकन बांटा गया है, जब आपका नंबर आएगा तब लीजिएगा। लेकिन वो नहीं माने, इसी बात को लेकर उग्र हो गए और मारपीट कर लिया। तो विभाग ने कोई कार्रवाई करी है? बिल्कुल, विभाग ने उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया है और उस पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियाँ भी हुई, आगे और भी अभी होंगी।